सो हाय एवरीवन, दोस्तों आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रील्स वीडियो को वायरल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को अपलोड कर करके थक चुके हो, यानी आप जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हो उसके बाद आपकी रील्स वीडियो पर 100-200 व्यूज आते हैं या फिर 400-500 व्यूज आते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी वीडियो पर 1-2 हज़ार व्यूज आने के बाद या फिर 3 हज़ार व्यूज आने के बाद उस वीडियो पर व्यूज स्टक हो जाते हैं, यानी अचानक से व्यूज आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यूज आते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर आपकी वीडियो पर कुछ व्यूज आने के बाद आपकी वीडियो पर व्यूज आना अचानक से बंद क्यों हो जाते हैं, और कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की इस प्रॉब्लम को सोल्व करके कैसे आप अपने रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो, एंड कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को तेजी से ग्रो कर सकते हो, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, रील्स वीडियो को वायरल करने के लिए यहां पर मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला, आखिर आपकी वीडियो पर 50-100 व्यूज आने के बाद या फिर 100-200 फिर 1-2 हज़ार व्यूज आने के बाद आखिर क्यों वो आपकी वीडियो रुक जाती है, यानी 1-2 हज़ार व्यूज पर ही स्टक हो जाती है, आखिर क्यों वो वीडियो आपकी वायरल नहीं होती है। ठीक है, एंड सेकंड चीज ये कि आप अपने अकाउंट पर क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है। और वीडियो के लास्ट में आपको इंस्टाग्राम की कुछ ऐसी खतरनाक सेटिंग के बारे में बताऊंगा, अगर आप अपने अकाउंट की कर लेते हो तो आपकी रील्स वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस मैं ये वीडियो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद बना रहा हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो आपकी रील्स वीडियो 100% वायरल होगी। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर मैं आपको सब कुछ विद प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं, तो यहां पर आपको साइड में मोबाइल से दिखाई दे रही होगी। तो गाइस यहां पर हम सबसे पहले करते हैं क्या भाई, यहां पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है। ठीक है, यहां पर ये काम करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां पर आपको इंस्टाग्राम को सर्च करना है, यहां पर आपको चेक लेना है आपका इंस्टाग्राम ऐप अपडेट है या नहीं। भाई अगर ये अपडेट नहीं होगा ना, तो ऐसे में इंस्टाग्राम के अंदर काफी सारे बग्स होते हैं या फिर बहुत सारे अपडेट आने होते हैं, वो आपके इंस्टाग्राम ऐप के अंदर आएंगे ही नहीं। जैसे आप इसको अपडेट कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे भाई, अपडेट करने के बाद आपका इंस्टाग्राम ऐप जो है ना भाई फ्रेश हो जाता है। ठीक है, एंड जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहां पर ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, एंड यहां पर लाइव वगैरह भाई सब कुछ अच्छे तरीके से आ रही है, एंड यहां पर आप व्यूज वगैरह भी भाई चेक कर सकते हो। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मैं जो भी आपको ट्रिक बताऊंगा भाई प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, एंड यहां पर करके दिखाऊंगा, एंड जो भी बताऊंगा वो ट्रिक यहां पर 100% वर्क करेगी अगर आप करोगे तो। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले करते हैं भाई, यहां पर हम होम पेज पर क्लिक कर देते हैं। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी वीडियो पर 100-200 व्यूज आने के बाद या फिर 500 फिर 1000 व्यूज आने के बाद आखिर आपकी वीडियो पर व्यूज आना अचानक से बंद क्यों हो जाते हैं। ठीक है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो गाइस देखिए यहां पर आप लोग गलती क्या करते हो, तो यहां पर हम सबसे पहले रील वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं, एंड यहां पर देख सकते हो यहां पर काफी सारे मतलब रील्स वगैरह आ रही है। तो यहां पर काफी सारे बंदे करते क्या भाई, यहां पर उनको कोई भी रील्स दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये रील्स आ गई है। ठीक है, एंड यहां पर आप इस भाई को ही देख सकते हो, इस भाई ने भी ये गलती की है। ठीक है, इस भाई ने गलती ये की है, ये रील्स अभी पहले हो रही है, यहां पर स्टार्टिंग में फोटो आ रहा है एंड उसके बाद यहां पर कुछ फुटेज आएगी। ठीक है, आप यहां पर देखते रहिए, यहां पर अभी फुटेज आने वाली है, यहां पर फुटेज आ गई है, एंड यहां पर ये ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर। बट इन्होंने यहां पर किया गया, यहां पर इन्होंने वीडियो तो एडिट कर ली, वीडियो एडिट करने के बाद इन्होंने म्यूजिक लगा दिया। ठीक है, म्यूजिक लगाने के बाद इन्होंने इसको इंस्टाग्राम पर ऐसे ही अपलोड कर दिया। मतलब ऐसे ही का मतलब ये है कि इन्होंने जो है ना उस ट्रेंडिंग म्यूजिक को ऐड नहीं किया, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये रील्स आ रही है, तो यहां पर आपको करना क्या भाई, यहां पर आप जिस भी रील्स को बना रहे हो, चाहे आप एडिट करके बना रहे हो चाहे आप पर्सनली अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। काफी सारे बंदे अक्सर करके ये गलती करते हैं, यानी मैंने काफी सारे अकाउंट को चेक किया, तो वो लोग करते क्या भाई, वो जो है ना भाई जिस भी रील्स को बना रहे होते हैं वो उसको ऐड नहीं करते हैं, यानी कि कुल मिला के वो डायरेक्टली रील को अपलोड कर देते हैं, उस म्यूजिक को ऐड करना भूल जाते हैं। भाई आप ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो, वरना आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप अपने फोन की गैलरी से भी किसी रील्स वीडियो को अपलोड कर रहे हो, तो यहां पर आपको करना क्या भाई, यहां पर आप जिस भी म्यूजिक पर उस रील्स को बनाने वाले हो, सबसे पहले उस म्यूजिक पर क्लिक करो, एंड उसके बाद यहां पर आपको ऊपर की तरफ सेव का ऑप्शन मिलता है, इस म्यूजिक को सेव कर लो। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर मैं इसको बैक कर देता हूं, यहां पर मैं आपको बताता हूं यहां पर आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर अभी हम रील पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं गैलरी से कोई वीडियो लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने प्लस वाले आइकन पर क्लिक किया, एंड उसके बाद यहां पर ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐड पर क्लिक कर देंगे, तो काफी सारे बंदे करते क्या भाई, उनको लगता है कि यहां पर म्यूजिक ऑटोमेटिकली ऐड है, तो वो नेक्स्ट करके अपलोड कर देते हैं। बट यहां पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, यहां पर आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहां पर आपने जो म्यूजिक सेव किया होगा यहां पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको टॉप में सबसे ऊपर की तरफ वो म्यूजिक दिखाई देगा जो आपने सेव किया होगा। ठीक है, तो उस म्यूजिक को यहां से आपको ऐड कर लेना है, जैसे आप इसको ऐड कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको इसको डन कर देना है। जैसे आप डन कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको रील्स वीडियो को अपलोड करना है। और हां गाइस एक गलती हो रही है जो कि आप में से काफी सारे लोग करते हैं, अगर आप वो गलती करते रहोगे तो आपकी रील्स वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको बैक कर दे रहा हूं, यहां मैं आपको बताता हूं। ठीक है, काफी सारे बंदे करते क्या भाई, वो जो है ना ओवर स्मार्ट होते हैं, यानी कि वो जाएंगे सीधा वेबसाइट पर या फिर
मतलब कहीं से भी हैशटैग कॉपी करेंगे एंड अपनी वीडियो में पेश कर देंगे। एंड उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिलता है ना, उनकी वीडियो पर 50-100 व्यूज आते हैं, फिर कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि 20-25 ही व्यूज आते हैं, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 500 फिर 1000 व्यूज आते हैं। एंड उसके बाद उनकी वीडियो पर व्यूज आना अचानक से बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब वो गलती क्या करते हैं, देखिए आपको हैशटैग आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपको हैशटैग सही से यूज करने का पता भी होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है तो आपको हैशटैग लगाने का कुछ भी फायदा नहीं है। गाइस आप में से काफी सारे बंदे ये गलती जरूर करते हैं, जब भी वो अपनी रील्स वीडियो को अपलोड करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो ना काफी सारे हैशटैग लगा देते हैं, ठीक है, कहीं से भी कॉपी करेंगे किसी वेबसाइट से या फिर मतलब कहीं से भी किसी दूसरे को कॉपी कर लिया एंड पेस्ट कर दिया और उनको लगता है कि भाई ये वीडियो मिलियंस में व्यूज लाएगी, ठीक है। अचानक से वो 1-2 हज़ार व्यूज अगर ले भी आती है तो बंदा फिर से यही गलती करता है, ठीक है। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती आप कर देते हो जिसकी वजह से आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है। देखिए यहां पर मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको हैशटैग नहीं लगाने, आपको हैशटैग तो लगाने हैं, बट यहां पर आपको हैशटैग लगाने कैसे है वो आप समझ लीजिए। चलिए यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए अपनी प्रोफाइल पर लेकर चलता हूं एंड यहां पर मैं किसी भी एक रील्स को प्ले कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इस रील्स वीडियो को प्ले कर लिया एंड यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहां पर ये वीडियो मैंने दानिश जैन को लेकर बनाई थी एंड यहां पर अगर हम नीचे की तरफ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर मैंने जितने भी हैशटैग लगाए वो दानिश जैन भाई को ही लेकर लगाए हैं, ठीक है। आप यहां पर चेक कर सकते हो, यहां पर मतलब जितने भी हैशटैग है ये उनसे ही रिलेटेड है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो भाई, मतलब कि काफी सारे लोग रील्स वीडियो को अपलोड करते समय ये गलती जरूर करते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई हमें जो है ना अपनी रील्स वीडियो के अकॉर्डिंग ही हैशटैग लगाने हैं, ठीक है। वो लोग करते क्या भाई, वो जाएंगे सीधा गूगल पर एंड यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रेंडिंग हैशटैग या फिर मतलब कुछ भी सर्च कर देंगे इंस्टाग्राम हैशटैग, वो सीधा कॉपी कर लेंगे 20-25-30 हैशटैग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे रील्स वीडियो पर, ठीक है, एंड अपलोड कर देंगे। उनको लगता है कि रील्स वीडियो मिलियंस में जाएगी, भाई देखिए ऐसे आपकी रील्स वीडियो कभी भी मिलियंस में नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिमाग से सोचना पड़ेगा, हैशटैग इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता लग जाए, ठीक है, यानी इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को समझे आखिर किन लोगों तक आपकी रील्स वीडियो को भेजना है। आप खुद सोचिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई रील्स वीडियो शायरी वाली बनाई है एंड उस पर आपने मिक्सिंग हैशटैग लगा दिए, फनी लगा दिए, कॉमेडी लगा दिए, मतलब कुछ भी लगा दिया भैया, तो ऐसे में क्या होगा, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को समझ ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा ये फनी है या फिर कॉमेडी टाइप वीडियो है या फिर मतलब कोई डांस वाली वीडियो है, क्योंकि ज्यादातर हैशटैग आपको इन वेबसाइट से ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहो यहां से आपको सही भी मिल सकते हैं, वो कैसे मिलेंगे वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं, आप जिस टाइप की रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे होते हो आपको इंस्टाग्राम ऐसी ही वीडियो दिखाता है, ठीक है। अगर आप फनी देख रहे हो तो आपको फनी ही आती जाएगी, और अगर आप यहाँ पर सैड टाइप वीडियो देख रहे हो ना तो यहाँ पर आपके सामने सैड वाली ही रील्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने शायरी वाली वीडियो बनाई और उस पर हैशटैग लगा दिए फनी एंड यहाँ पर डांस वगैरह लगा दिए, तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है उसको लगेगा कि ये वीडियो फनी है, तो उन लोगों के पास भेजेगा जो कि फनी देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उनके सामने वो रील्स आएगी, वो है सैड शायरी वाली, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ फनी देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो लोग ऊपर की तरफ कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे, यानी आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे, तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि आपकी वीडियो में बिल्कुल भी दम नहीं है, तो इंस्टाग्राम आपकी वीडियो की रीच को डाउन कर देगा या फिर आपकी वीडियो पर व्यूज आते आते अचानक से बंद हो जाएंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको मिक्सिंग हैशटैग नहीं लगाने। अगर आप गूगल से हैशटैग कॉपी करते भी हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी रील्स वीडियो किस टाइप की है, यानी वो फनी है या फिर सैड है या फिर मतलब कॉमेडी टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉमेडी वीडियो बनाई है ना, तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो पर जितने भी हैशटैग आप लगाओगे आपको टोटल भाई कॉमेडी से रिलेटेड ही हैशटैग लगाने हैं, ठीक है। हैज कॉमेडी वीडियो, मतलब इस तरीके से आप लगा सकते हो। आप चाहो तो गूगल से भी हैशटैग कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपली करना है, यहाँ पर आप जिस भी टाइप की रील्स बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपकी कॉमेडी टाइप रील है ना, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉमेडी हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है, जिसे आप सर्च कर दोगे उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपको हैशटैग मिलने वाले ना वो सब यहाँ पर आपको कॉमेडी से रिलेटेड ही मिलेंगे एंड ये हैशटैग यहाँ पर काम भी करेंगे। आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हो, कॉमेडी है, फनी, मेमे, मतलब ये सब कॉमेडी में ही आता है एंड यहाँ पर आप जिस इनको कॉपी कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आप अपनी रील्स वीडियो पर इनको लगा सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट करके देखना है कि आपकी वीडियो पर व्यूज कैसे आते हैं, मतलब कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको अगली बार करना क्या भाई, यहाँ पर जितने भी हैशटैग है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर अभी ये 20 हैशटैग है, तो अगली बार यहाँ पर वो करना क्या भाई, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर 10 हैशटैग लगाने हैं, 10 से ज्यादा नहीं लगाने हैं, ठीक है। अगर आपकी वीडियो 10 पर भी वायरल नहीं होती है, यानी 10 हैशटैग पर भी वायरल नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको उससे अगली बार यहाँ पर आपको 4 से 5 हैशटैग लगाने, हो सकता है कि आपकी रील्स वीडियो 4 से 5 हैशटैग लगाने पर वायरल हो जाए। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर खुद से एक्सपेरिमेंट करना होगा, यानी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सेम चीज कर रहे हो डेली, यहाँ पर 25 से 30 या फिर 50 हैशटैग आपने लगा दिए, भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है एंड यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि यहाँ पर आप जब भी रील्स वीडियो को अपलोड कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस रील्स वीडियो को अपलोड किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल पर चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी रील्स प्ले करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये रील्स वीडियो अपलोड किया था एंड यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर की तरफ लिखा है सन्नी
नहीं देवल डायलॉग। तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो के बारे में बताना है, यानी यहाँ पर आपको कैप्शन में लिखना है, यानी यहाँ पर आपको कैप्शन में कुछ लिखना है अपनी वीडियो के बारे में, जो भी आपकी वीडियो के अंदर है, जिससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता लग पाए आखिर इस बंदे ने किस टाइप की वीडियो बनाई है, तभी यहाँ पर आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी। तो गाइस ये सब तो आप समझ गए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की वो सेटिंग क्या करनी है जिससे आपकी हर रील्स वीडियो वायरल हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करके रखे हो या नहीं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेना है, वरना यहाँ पर आपकी रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस ना के बराबर ही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग और करनी है, यहाँ पर आपको प्लान पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग बनाए भाई। सेटिंग बनाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, एंड यहाँ पर आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, एंड यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर मेरे अभी दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, सबसे पहले स्विच टू बिजनेस अकाउंट, दूसरा है यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट करना है भाई वो करना है स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएटर में स्विच किया हुआ है, अगर आपने यहाँ पर बिजनेस में रखा होगा या फिर पर्सनल में रखा होगा तो यहाँ पर आपको भाई क्रिएटर में स्विच कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको इसको बैक कर देना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे, यहाँ पर आपको एक सेटिंग और करनी है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा शेयरिंग टू अदर एप्स, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक से जोड़ा हुआ है या नहीं, ठीक है, यानी फेसबुक से कनेक्ट किया है या नहीं। अगर आपने फेसबुक से कनेक्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फेसबुक से कनेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा भाई, जब भी आप अपनी रील्स वीडियो को अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपकी रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जब भी आप अपनी रील्स वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो यहाँ पर जो है ना वो वीडियो आपका फेसबुक पर भी रिकमेंड होता है, यानी कि फेसबुक पर भी लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर आप उसको बैक कर देना है। तो जैसे आप ये सब सेटिंग कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर आप जैसे अपनी रील्स वीडियो को अपलोड करने के लिए जाओगे, तो जैसे आप हैशटैग वगैरह लगा लोगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई हैशटैग कैसे लगाने, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, वहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड एट ए हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी रील्स वीडियो जो है ना हाई क्वालिटी में अपलोड होती है, ठीक है। और जो वीडियो हाई क्वालिटी में अपलोड होती है ना, इंस्टाग्राम जो है उसको ज्यादा लोगों के पास भेजता है, यानी आपकी रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको उस वाले ऑप्शन को एनेबल कर लेना है, जैसे आप उसको एनेबल कर लेंगे उसके बाद ही आपको अपनी रील्स वीडियो को अपलोड करना है। तो गाइस जैसे आप अपनी रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि काफी सारे लोग करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको अपनी रील्स वीडियो को खुद से नहीं देखना है, ठीक है। आपको मतलब काफी सारे लोग मैंने देखा है जिस अकाउंट पर रील्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, उसी अकाउंट से देखना चालू कर देते हैं, एंड इंस्टाग्राम को लगता है कि भाई ये बंदा खुद ही अपनी रील्स वीडियो को देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इंस्टाग्राम उस वीडियो की रीच को डाउन कर देता है। तो यहाँ पर आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहो एक काम कर सकते हो, अपनी फैमिली में या फिर अपने दोस्तों का किसी का फोन लेकर उस फोन में अपनी आईडी को सर्च करके उस पर रील्स आप देख सकते हो, एंड उसमें भी आपको एक काम जरूर से करना है कि आपको उस वीडियो पर वॉच टाइम देना है, यानी कि आपको उस वीडियो को कुछ टाइम तक देखना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने वीडियो को लाइक किया और कमेंट किया और बैक कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो इंस्टाग्राम को लगेगा ये जो ना कोई बोट है, ये इंसान नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आपको वॉच टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी यहां पर आपको एक से दो बार कम से कम अपनी वीडियो को देखना है। तो उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम को लेगा कि हाँ इस पर बंदे कुछ देर रुक रहे हैं, तो ऐसे में इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएगा। और अगर आपकी वीडियो में वाकई में दम हुआ तो आपकी रील्स वीडियो 100% वायरल होगी। और यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको जो ना भाई कुछ अलग करना है, ठीक है। जैसे कि ट्रेंड एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सॉन्ग है जिस पर सब लिप सिंक कर रहे हैं, तो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने तरीके से लिप सिंक करनी है, एंड यहां पर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देनी है रील्स वीडियो में जो सबसे अलग हो, ठीक है, और जो लोगों को देखने में मजा भी आए, जो भी आपकी वीडियो को देखे वो वीडियो आपका पूरा देख कर ही जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो तो आपकी रील्स वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो भाई, कैसे आपको अपनी रील्स वीडियो को वायरल करना है। एंड यहाँ पर अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड यहाँ पर भाई को फॉलो भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव वगैरह भी आता रहता हूँ, एंड जो भाई मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं उनके यहाँ पर लाइव में जवाब भी देता हूँ। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।